कुछ भी स्पोर्ट्स पर्सन के ना कुछ भी लोग हेल्प नहीं करते लाइफ में। पहली बार ये फ्लाइट करी है, नेक्स्ट टाइम कभी नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। भाई यहाँ का ट्रैफिक को समझ नहीं आ रहा, और यहाँ पे हेलमेट हेलमेट का कोई रूल नहीं है। एक बाइक लेते ही पहला खर्चा। अच्छा लग रहा टाइट जा रहा गियर ना। बाहर का वेदर चेक कर रहे हो, एकदम क्लीन और एकदम अच्छा मौसम हो रखा प्रैक्टिस वाला, बट आज हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे क्योंकि आज हमको कहीं निकलना है, और वो निकलना भी बहुत जरूरी है। अगर वो निकलेंगे तभी आप लोगों के लिए कुछ शूट कर पाएंगे और कुछ दिखा पाएंगे। तो गुड मॉर्निंग गर्ल्स, वेलकम बैक हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप सभी का स्वागत है फाइनली नए ब्लॉग के साथ। आज हमारा ब्लॉग घर से स्टार्ट हो रहा है, बट कल कहीं और से स्टार्ट होगा, पता चल जाएगा आप लोगों को। बट हाँ, कहाँ जा रहे हैं आपको ऑलरेडी मैंने पहले बता दिया था, बट अभी बता देते हैं। अभी क्या करना मैं वो दिखाता हूँ आपको, ठीक है, अंदर चल के। ये देखो सारा कुछ, ये नीब्रेस है, इनके बारे में डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग कमेंट करते हो देख क्या काम आता है, कितना राइडिंग गियर होता है ऑफ रोड के लिए, डिटेल में एक वीडियो बना के देंगे आप लोग कमेंट करोगे तो। सारा पैक चल रहे हैं, शूज डाल दिया, हेलमेट डाल दिया, नीब्रेस है, ये सारे जर्सी और सारा कपड़ा है, ये सब हो गया। अब हाइड्रेशन पैक है, वो सारा लेके आ रहा हूँ आपको, सारा कुछ रख के आपको दिखाता हूँ। ये राइडिंग गियर में लेके जाता हूँ, एक रैली के लिए जाता हूँ, तब आपको दिखाता हूँ मैं। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। पुणे आ रहे हैं हम, कल पुणे पहुंच जाएंगे, दो दिन पुणे रुकेंगे, फिर नासिक, तीन दिन नासिक, फिर वापस पुणे, पुणे से वापस। एक हफ्ता बैक टू बैक आपको ब्लॉग देखने को मिलेगा, बैक टू बैक बढ़िया कंटेंट देखने को मिलेगा, बहुत सारे भाई मिलेंगे, सबसे बातें करेंगे, सबसे मिलवाएंगे आप लोगों से, क्योंकि आप भी मेरी फैमिली और वो भी मेरी फैमिली, दोनों से मिलना जरूरी है ना। इस बात पे लाइक हो जाना चाहिए और कमेंट हो जाना चाहिए, बेस्ट ऑफ लक फाड़ देना है ये रेस भी अपने को, टॉप मारनी है। आप लोग प्यारा सा कमेंट करोगे ना तो जरूर करेंगे हम मेहनत। भाई ये जो माइक है ना, ये माइक लगा रहे हम इस वाले हेलमेट में जो उसमें लगा हुआ था, मोटो ब्लॉगिंग सेटअप इसमें लगाते हैं, क्योंकि अपने को मोटो ब्लॉगिंग अब इसमें करनी पड़ेगी, क्योंकि वो हेलमेट अपन लेके नहीं जा रहे, एक ही हेलमेट लेके जा रहे हैं, कम राइडिंग गियर और कम वेट लेके जा रहे हैं। तो इसमें अभी सेटअप बनाते हैं, माइक फिट करते हैं और फिर पैक करते हैं इसको, क्योंकि आप लोगों को मोटो ब्लॉगिंग भी दिखानी जरूरी है ना। घूमेंगे पुणे में, नासिक में, तो दिखाएंगे ना थोड़ा बहुत कुछ, इसलिए मैंने कहा माइक का सेटअप, माइक लगा रहे। तो भाई हमने सोचा जाने से पहले हमने बनाया बेसन का चिल्ला, पनीर पड़ा था, पनीर और बेसन का चिल्ला बना के खा रहे हैं, क्योंकि डिनर करके जाएंगे बढ़िया और फिर सीधा फ्लाइट में ही सोएंगे। ये वाला बैग पैक हो चुका है, वो वाला बैग पैक हो चुका है, बैग सारे पैक हो चुके हैं, ठीक है, फ्रेश होएंगे, मतलब खाना खाएंगे और कपड़े चेंज करेंगे और चल देंगे रात में, लगभग 11-12 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे। बाकी यार ये वाला जो बैग है इसका वेट हो रहा है 20 kg, तो देखते हैं 15 kg अलाउ है, तो देखते हैं क्या जुगाड़ होता है, आप लोगों को पता चल जाएगा, जो भी होगा हम आपको बता देंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, अगर मान गए भैया तो सही है, नहीं माने तो फिर पैसा देने पड़ेंगे। बट स्टिल हमने बनाया है बेसन का चीला, गाइस चेक करो, देख रहे हो आप, ये अकेले रहने के नुकसान, खुद बना के खाना पड़ता सब चीज़, तो इतना भाई तुम्हारा भाई इतना बढ़िया चीला बनाता है, मतलब क्या करें यार, ठीक है मिलते हैं थोड़ी देर में। ना ये वाला बैग पैक एकदम सेट, ये वाला भी सेट, दो बैग है अपने पास में और अपन हो चुके रेडी, टी शर्ट चेंज कर ली, फ्रेश फ्रेश हो गए, नीचे अपना सुमित भाई वेट कर रहे हैं, सुमित भाई अपने को एयरपोर्ट छोड़ जाएंगे, चलते हैं अभी यहाँ सीधा एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से सीधा पहुँच जाएंगे पुणे। तो पुणे के जितने भी भाई लोग देख रहे हैं, पुणे आ रहे हैं और MX स्टोर पर मिलेंगे, अगर कोई मिलना चाहता तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, मैं MX स्टोर रहूँगा। ओके गाइस चलते हैं यहाँ से। तो भाई हमारा गाड़ी में हमने सामान रख चुके हैं और सुमित भाई आए हमें लेने के लिए, कैसे सुमित भाई? बहुत अच्छे भाई, बढ़िया। और हमारे ये भाई साहब बैठे हैं अभी, हम थोड़ा बिजी है, फ़ोन पे है, तो थोड़ा साइलेंट हो रखे, मैंने कहा मैं ब्लॉग बना रहा हूँ तो एक मिनट के लिए होल्ड कर रखा है, ठीक है। तो हम अभी निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए फाइनली। तो भाई अपन पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट, सीधे अंदर जाते हैं और फिर चेक इन करवाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे ना, थोड़ा जल्दी जल्दी चेक इन करवाते हैं। कि अपना जो वेट था ना वो 26 हो रहा था, तो मैंने जूते निकाले, मैंने रिक्वेस्ट करी कि एटलीस्ट 2 kg चला लो, बट बोल रहे नहीं 2 kg भी नहीं चल रहा, तो इसमें से भी निकालना पड़ेगा भाई। मतलब कुछ भी स्पोर्ट्स पर्सन के ना कुछ भी लोग हेल्प नहीं करते सीरियसली, मतलब ना बहुत गंदा सिस्टम है, बहुत गंदा सिस्टम है ये, बहुत मतलब ना वो लगता है, आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो, आप स्टेट को रिप्रेजेंट करते हो, कोई फ़ायदा नहीं भाई, कोई फ़ायदा नहीं, कोई इज्जत नहीं आपकी, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। बंदे ने मेरे से सारा सामान इस बैग में 20 kg रखा है, प्रॉपर 20 kg, ठीक है, सारा मैंने निकाल दिया। और मतलब एक नंबर का ना जो मतलब होता है ना सिस्टम, बहुत मैनेजमेंट है, मतलब मैं अगर सिंपल सी भाषा में बोलूँ ना, बहुत गंदा मैनेजमेंट है। लाइफ में पहली बार ये फ्लाइट करी है, नेक्स्ट टाइम कभी नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। चेक कर रहे हो भाई, अपन ने जूते निकाल के ऐसे डाल दिए, चलो अपना चेकिंग वेकिंग सब कुछ हो गया, अभी अपन जा रहे हैं जहाँ से फ्लाई होनी है, गेट नंबर पर, तो 33 आई थिंक इस पर लिखा हुआ है, हाँ 33 34।
आज भाई बहुत सारी भसूड़ियाँ हुई एक साथ ना, बहुत सारी, फुर्सत में बताएंगे आपको बैठ कर आराम से ना, अभी टाइम ही टाइम है अपने पास। अपना बोर्डिंग हो चुका है, फाइनली हम जा रहे हैं फ्लाइट में जाने के लिए, और भैया मिले, भैया से बात कर रहे हैं। कैसे भैया? बढ़िया भैया, भैया मारवाड़ी में बात कर रहे हैं, भैया सीकर पढ़ाई कर रही है, तो बहुत सही, मतलब मारवाड़ी में बात हुई, काफ़ी सारी डिस्कशन हुई। भाई ने बोला इतने जूते होते, मैंने कहा जूते लेके जाने नहीं दे रहे, इसलिए मैंने पहन के जाने पड़ रहे हैं। ठीक है, स्टिल फ्लाइट में बैठते हैं, चलते हैं। अपन फ्लाइट में बैठ चुके हैं, चेक करो, बट मैं थक गया हूँ भाई, मैं मतलब सोच चुका हूँ सुबह का 6 बजे का उठाऊँ भाई, अभी तक नहीं सोया, थक चुका हूँ। देखते हैं अभी अभी सोएंगे फ्लाइट में, मस्त एकदम, मतलब मस्त सो रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे, सोएंगे बढ़िया। चेक करो बाहर का व्यू, कुछ नहीं है, अभी चलेगी तब आपको थोड़ा सा दिखा देंगे सिनेमैटिक। भाई पुणे पहुंच गए, ये घड़ी देख, फाइनली रात भर भाई ढंग से नहीं सो पाए भाई, आज फिर भी नहीं सोए, बट आज स्टिल पहुंच गए पुणे। अभी अपने यहाँ पे आधा घंटा वेट करना है, आधा घंटा या एक घंटा ऐसा कुछ वेट करना है, फिर हम यहाँ से कहीं जाएंगे, तो अभी चलेंगे अंदर वेट करेंगे, ठीक है। और भाई जूते मैंने अंदर उतार, थोड़ा सही था, पर नेक्स्ट लोग वेट कर रहे हैं इस सेम फ्लाइट में फ्लाई करने के लिए, सोच रहे हो आप। तो भाई अपन ने डिसाइड किया कि यहाँ से ना कैब मिलती है, और मेरी भैया से बात हुई तो भैया ने बोला कि इतने इतने बजे मतलब शॉप खुलती है, शॉप अगर FXR स्टोर जो है 11:30 पे खुलता है, तो मैंने कहा 11:30 तक वेट करने से अच्छा है कि मैं यहाँ से कैब करके जाऊँ, वहाँ पे सामान रखूँ और फिर मैं बाइक लाने चला जाऊँ, क्योंकि बाइक लेके आना भी ज़रूरी है, बाइक लेके आके मैकेनिक के पास पहुँचना है, तो इसलिए मैंने सोचा चलते हैं। इसलिए अब अपन जा रहे हैं MX स्टोर जाएंगे, वहाँ पे खड़ी क्या करेंगे वहाँ पे रखेंगे सामान और फिर चल देंगे आगे, ये चीज़ें बाइक लाने के लिए। तो भाई यहाँ के कैब में बैठते ना गणेश जी के दर्शन होते हैं सबसे पहले, क्योंकि महाराष्ट्र में गणेश जी को बहुत माना जाता है, और पुणे में स्पेशली गणेश जी का बहुत बड़ा मंदिर है, मैं पहले भी जब रहता था तब जाता था, आज मेरे को आज या कल जब भी टाइम मिलेगा जाके आएंगे, डगड़ूसेठ गणपति ना, हाँ डगड़ूसेठ गणपति करके हैं, तो अगर टाइम मिला आज या कल जब भी जाएंगे आप लोगों को भी लेके जाएंगे, दिखाएंगे। फिलहाल अब हम कैब में बैठ के निकल चुके हैं, जा रहे हैं अपन MX स्टोर। तो ये हम पहुंच चुके हैं हमारे MX स्टोर, बैग रखेंगे और यहाँ से नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि जाना है भाई, बाइक उठाना है, ज़रूरी है, बैटरी डेड है क्योंकि ना ढंग से सोया हूँ, ना ढंग से कुछ खाया मैंने, ठीक है, तो इसलिए। तो ये हम निकल चुके हैं वापस, हमने हमारा बैग रख दिया है MX स्टोर पे, और अभी हम जा रहे हैं हमारी बाइक उठाने के लिए, देन उसके बाद हम जाएंगे मैकेनिक भैया के पास सीधा वहीं पे, तो अभी सीधा हम जा रहे हैं बाइक उठाने के लिए, तो भैया को मैंने उठा साथ में सीधा आगे के लिए बुक कर दिया, बाइक लेके फिर आएंगे भाई। नींद आ रही है, भूख लग रही है, बहुत तगड़ी, मतलब हालत ऐसे हो रखी है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, लगे पड़े। तो भाई फाइनली अपना चीता ये खड़ा, जो अपना घोड़ा जिसको हम प्यार बोलते हैं हमारा, इसको अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं और लेके चलते हैं यहाँ से, ठीक है, इसके ले जाने की बारी आ चुकी है गाइस। तो भाई अपने अपने मशीन को कोल्ड स्टार्ट किया है, कोल्ड स्टार्ट हो रही है क्योंकि इतने दिन बाद में स्टार्ट हो रही है ना, तो मैंने कहा कोल्ड स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर, फिर इसको ले कर चलेंगे यहाँ से, पहले स्टार्ट करते हैं, अभी जाएगी सीधी सर्विस होगी कम्प्लीट, पता ही नहीं चल रहा क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, और अभी तक कुछ खाया नहीं, तो भाई हमने ना गाड़ी से आपको नीचे उतरना, ओके मैम उतर जाएंगे, ये लो भाई अभी पेट्रोल डाल रहे हैं इसमें, 550 का डलवा रहा हूँ पावर में ना, तो एटलीस्ट पावर डलवा देते हैं, हाँ हाँ चलेगा, क्योंकि बाहर निकालते इसका घर पीछे ही है, बाहर निकालते ही बाहर पेट्रोल पंप है, मैंने कहा पावर डलवा लेते सही रहेगा, सही रहेगा बाइक के लिए भी, पेट्रोल रहेगा थोड़ा टेंशन फ्री रहेगा अपना। नहीं 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 मैम वो हम खुद करते हैं, 550 का 4.5 मतलब 4.25 लीटर आया है, तो वर्थ है मतलब, ठीक है 130 रुपये लीटर है पावर यहाँ पे। और यहाँ पे ना बाहर निकलते ही पेट्रोल पंप से बाहर निकलते ना मुझे कुछ खाने का एक वो दिखा स्टॉल, तो मतलब क्या है दुकान बोल दो आप प्रॉपर, तो सोच रहा हूँ यहाँ पे कुछ खा लूँ,
कुछ खाया नहीं, यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है अच्छा खासा ना, तो यहाँ पे लगा के सुबह से कुछ खाया नहीं है, थोड़ा अच्छा सा खा लेते हैं, पेट भर जाएगा तो अच्छा रहेगा, चलने में आराम से रहेगा, क्योंकि अभी यहाँ से जाना है 10-12 किलोमीटर और अंदर ट्रैफिक के अंदर, और नो भी देख भाई एकदम फ्रेश नो भी लगे हुए आगे पीछे दोनों। चलो कोई नहीं, खाते हैं पहले। भाई मेरा मन कर रहा था मिसल पाव खाने का, तो मैंने ये मिसल पाव मंगाया फिर से खाने के लिए, क्योंकि पिछली बार जो खाया था ना मज़ा नहीं आया, इस बार टेस्ट करेंगे। और तो भाई अपन ने ब्रेकफास्ट करके अपन वहाँ से निकल चुके हैं अपनी लोकेशन के लिए, जो 8-8.5 किलोमीटर है, और उसका टाइमिंग दिखा रहा है 25 मिनट्स ऑलमोस्ट, हाँ 25 मिनट्स दिखा रहा है। भाई यहाँ का ट्रैफिक कुछ समझ नहीं आ रहा, थोड़ा अजीब सा ट्रैफिक है, मैंने पिछली बार भी सेम चीज़ बोली थी पुणे में जब था मैं, सॉरी गाइस पुणे वाले जो भी देख रहे हैं भाई नाराज़ मत होना, क्योंकि नई चीज़ एडोप्ट नहीं कर पाता इंसान ना एकदम। हम जा रहे थे वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल डिफरेंट लेवल पे ट्रैफिक है, यहाँ का जो ट्रैफिक है वो डिफरेंट लेवल पे है। राजस्थानी कपल जा रहा है, ठीक है, इनको देख के इनकी पोशाक देख के मुझे लगा कि राजस्थानी है। क्यों गाँव में जालौर, मैं अभी जोधपुर हूँ, ये राजस्थान से है, और यहाँ पे राजस्थानी वैसे बहुत है, मतलब पुणे में ना बहुत ज़्यादा राजस्थानी है, ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं इतने राजस्थानी हैं, पूछो मत, जैसे शायद जालौर सांचौर इस साइड के सारे राजस्थानी यहाँ पे है, मतलब स्पेशली पुणे बॉम्बे में बहुत ज़्यादा राजस्थानी है, मेरे को मतलब थोड़ा बहुत आइडिया है, पुणे में तो मैंने स्पेशली खुद देखा है इतने राजस्थानी है, पूछो मत। पर यहाँ का ट्रैफिक है ना ऐसे, मतलब जहाँ जाम होता है ना वहाँ चिपक ही जाता है, मतलब मूविंग ट्रैफिक नहीं है हमारे वहाँ पे, क्या ना जैसे हम गुड़गांव में रहते हैं वहाँ पे थोड़ा मूविंग ट्रैफिक है, ऐसा जाम वाला ट्रैफिक नहीं है, और यहाँ पे हेलमेट का कोई रूल नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब टेंशन फ्री, पुलिस वाला का एक सिस्टम सही है बहुत सही, मतलब पुलिस वाले आपको परेशान नहीं करते बाइक पे आप जा रहे हो, बिना हेलमेट जा रहे हो, मैं चल रहा हूँ कैसे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, जाओ आराम से चिल, वैसा वाला सिस्टम है। तो यहाँ पे मतलब ये भी एक अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव ना, एज ए बाइकर अगर मैं देखूँ तो भाई, अगर आप सुपर बाइक राइड करते हो तो यहाँ पे तो भाई कोई पूछने वाला ही नहीं है, ये भी बहुत बड़ी एक मतलब अच्छी बात है। ऊपर कोई तो भी मंदिर है बड़ा सा, अपने को नाम वाम पता नहीं, क्योंकि अपन बड़े सालों बाद में महाराष्ट्र में पुणे में घूम रहे हैं, लेना मराठी ये थी बट आता मंगा है बिचर ले। ये जो ऑयल डाला था उस टाइम वो इतना महंगा ऑयल डालने के बाद में भी ऑयल एकदम पतला हो गया ना, खत्म ना, वैसे साफ तो दिख रहा है। मन कर रहा दूसरी वाली बात में डाल के चला लेते हैं, पर ठीक है कोई नहीं, खत्म हो गया ये, वैसे पतला हो गया ना ऐसा लग रहा है। बाकी भाई के गैरेज पहुंच चुके थे, भाई अभी आए, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। भाई थे तो अपना बाइक का काम स्टार्ट हो गया, ऑयल चेंज कर रहे हैं, क्लच प्लेट चेंज कर रहे हैं, सारा चीज़ कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं पूरी बाइक फुल पावर खींच के चल रही है ना। बाइक लेते ही पहला खर्चा इस बार इस रेस में, क्लच प्लेट चेंज हो रही कंप्लीट, नया ऑयल डल रहा, मैंने आपको बता दिया था, तो ये पिछली रेस में होके रेडी होके आई है, इस रेस में 5 से 10 हज़ार रुपये का खर्चा होगा पूरी बाइक का, ये सारा कुछ करने में 10 हज़ार रुपये हर रेस में बाइक के ऊपर, मतलब 10 से 15 हज़ार रुपये तो हर रेस में लगने ही लगने होते हैं, हर रेस में 10 से 15 हज़ार आराम से लग जाते हैं। अभी देखो सारा कुछ क्लच प्लेट वलच प्लेट सारा कुछ मिला के ना 12 हज़ार रुपये का बिल बन चुका है, अभी तक 3 आइटम और आ रहे हैं तो उनको मिला के 15 हज़ार रुपये तो चला जाएगा, हर रेस में जाता ही है, एक रेस में नहीं हर रेस में, तो अगर वो बाइक रेडी होने के बाद ये चीज़ें, अगर बाइक रेडी नहीं है तो फिर तो भाई हो गया काम। करो भाई हमारे कपलिंग रबड़ खोलने के लिए, भाई ने बाइक क्या लगाई है भाई, सही एकदम मस्त बाइक में, फाइनली नया घी डल रहा है, क्लच प्लेट डल चुकी है, ये नया घी डल रहा है, ये घी भाई बहुत महंगा है, क्या करें डाल के ख़त्म करते हैं भैया। और हम आ गए थे लंच करने के लिए, सेव भाजी आई है, बढ़िया लंच कर रहे हैं, भूख लगी थी उसके बाद अभी खा रहे हैं, बढ़िया लंच करते हैं फिर मिलते हैं, क्योंकि आप लोगों को मैंने बड़ा अपडेट कर दिया भाई आज सेव भाजी, महाराष्ट्र की सेव भाजी फेमस है ना, है ना, हाँ सेव भाजी। बेस्ट प्लेट मंगाई है इसके लिए, बेस प्लेट थी नहीं तो इसके लिए बेस प्लेट मंगाई, एक ये हैंडल मंगवाए हैं और 2-3 आइटम मंगवाए हैं, और ये खर्चे पे खर्चा हो रहा है। चेक करो भाई मेरी हेडलाइट चेक करो भाई साहब, सही बहुत सही हेडलाइट लगा दी वाइट कलर की, सही है भाई, बढ़िया है भाई बढ़िया, सही लग रही ना, भैया ने पास कर दी मतलब डन है, कल कई काम चल रहा है सुबह से।
सोया नहीं, एक मिनट भी सोया। तो विजय भाई का काम देखो आप भाई, एक नंबर बंदे का काम, सुबह से लगे हुए। ये भाई हेडलाइट के लिए पत्ती बनाई है भाई, इतनी प्यारी लग रही ना, इतनी प्यारी लग रही, मैं खुद देख के ना खुश हो गया। मैंने कहा ये भाई ऐसे वाला काम था, बाकी हेडलाइट ये लगा रहे और भाई प्यारी सी पत्ती बना के लगाई, प्यारी इतनी खूबसूरत लग रही है पत्ती, और वेट भी नहीं है, मतलब बहुत अच्छी लगी। मतलब मैंने खुद पर्सनली, मेरे को सबसे प्यारा ऐसा लगा, और बंदे का काम मतलब एक एक चीज़ एक्यूरेट, मतलब परफेक्शन जो होता ना वो ऐसा चाहिए, मतलब ऐसा चाहिए वैसा वाला। वैसे जब काम होता ना बाइक पे संतुष्टि फील होती है। चेक करो कितनी प्यारी लग रही है, आपको ऐसे समझ में आएगा। अपने गैरेज में वापस एक और ये आइटम आया यहाँ का, ये भाई लेके आए सेव पाव, जो यहाँ का लोकल डिश है, ठीक है, और साथ में कोल्ड कॉफी, चेक करो। तो मैंने कहा ट्राई करते हैं, भाई भी आए हुए मस्त। कुछ ऐसे इंडिकेटर लगे हमारे पीछे बाइक पे, ठीक है, और ऐसे ही इंडिकेटर लगे हमारे आगे बाइक पे, बट भाई आगे वाली जो लाइट और इंडिकेटर का जो किया है ना भाई ने, एक नंबर। और यहाँ पे लेजेंड की फ़ोटो लगी हुई है साइन के साथ में, भाई मज़ा आ गया। मतलब ना मैं इतना थका हुआ था, कल सुबह से नहीं सोया हूँ, सोचो आप, कंटिन्यू मैं ब्लॉग भी कंटिन्यू कर रहा हूँ और सोया भी नहीं हूँ, बट बाइक की काम देख के ना दिल खुश हो गया। भाई को फुल शाउट आउट है, आप पुणे में या महाराष्ट्र के आसपास कहीं पे भी हो, आपको एक्सपल्स वगैरह कुछ भी सर्विस करानी है, भाई का डिटेल मैं इस ब्लॉग में नीचे डाल दूंगा, तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट कर लेना। और मस्ट रिकमेंड है, मस्ट रिकमेंड है, आप आइए यहाँ पे और सर्विस कराइए, मज़ा आ जाएगा। कौन सी भी बाइक की हो जाएगी, देख लो सारी बाइक खड़ी है, सारी बाइक हो जाएगी ना भाई, सुपर बाइक ऊपर बाइक सब की हो जाएगी ना, सब बाइक की सर्विस हो जाएगी। और आप लोग काम देख के ना तारीफ ना कर दो ना, मेरा नाम चेंज कर दो, मैं खुश हूँ भाई। मैंने मतलब भैया के साथ में सुबह से हूँ, मेरे को हमेशा होता है बाइक देख के सामने से करवा दो, बट अब मेरे को भैया पे ऐसा हो गया ट्रस्ट कि भाई बाइक छोड़ दो भाई, डन है, अपने आप हो जाएगी। मतलब बंदे का मतलब क्वालिटी काम करने का जो होता है ना, फिर उस पर एक अलग चीज़ दिमाग में मतलब हो जाती है, डन है भाई, अब टेंशन नहीं है, वैसे वाला सीन है। तो फुल रिकमेंड है, आना आप लोग सर्विस कराने के लिए। ऐसे बाइक यहाँ पे भी खड़ी है, यहाँ पे भी खड़ी है, बहुत सारी बाइकें खड़ी है, जा रहे हैं देखना ना गाइस। ये चेक करो भाई, इंडिकेटर कितने खूबसूरत लग रहे हैं, आंखों की तरह दिख रहा है साइड में से ना, और जब पीछे वाले चालू हो जाएंगे, ओहो भाई साहब, जब पीछे वाले चालू हो जाएंगे और खूबसूरत लगेंगे, नाइस। इसीलिए मैं बोल रहा था, इसीलिए जो तारीफ कर रहा था ना, इसीलिए कर रहा था मैं, इसी इंसान डिजर्व करता है इंसान, ये समझ रहे हो, बहुत प्यारा काम किया भाई, मज़ा आ गया। लग रही सामने से लाइट खूबसूरत, एक नंबर भाई, प्यारी दिख रही भाई, प्यारी लाइट, बहुत सही दिख रही भाई, इस पर वाइट वाइट पूरा मैचिंग हो गया ना, नया नया लग रहा ना पूरा मैचिंग। हाँ करो भाई अंधेरे में, कितने प्यारे ये इंडिकेटर के जो DRL है ना, कितनी प्यारी लग रही है, नाइस। टाइट जा रहा है ना, एक बार और चेक करके आता हूँ, आराम कुछ भी नहीं लग रहा। तो भाई भैया जा रहे घर पे, तो मेरे को जहाँ जाना है भैया के रास्ते में है, तो भैया ने बोला मैं छोड़ता जाऊंगा, चल भाई ये तुम ही मॉर्निंग उदय, ये तो हाँ उदय, तो भाई के साथ बैठेंगे स्कूटी पे और चल देंगे, और जा रहे हमारे चैंपियन के घर पे, जा रहे बाहर गुजे के घर पे, मिलवाते हैं आपको चल के अगर वो जगह रहा तो। भाई कल रात को इतना थका हुआ था भाई के घर पे आके सो गया, नहा धो के सो गया, अभी उठा हूँ, दिन की 11 बज रही है, 12 बज रही है ऑलमोस्ट, तो अभी मैं नहाऊँगा और अच्छी तरह जाऊँगा भाई के पास, बट नीचे चल के भाई से भी मिलवाते हैं, भाई की फैमिली से भी मिलवाते हैं जो मिल सकते हैं, अंकल वगैरह से मिलवाते हैं, आप लोगों से थोड़ा मिलवाते हैं, और इसके घर की ट्रॉफी दिखाता हूँ आप लोग। मैं उस दिन बोला था ना ये चैम्पियन है हमारे यहाँ का, मतलब मोटो क्रॉस सुपर क्रॉस का चैम्पियन है, वो आपको समझ में आएगा, सुपर क्रॉस का मैं चैम्पियन क्यों बोल रहा था इसको, उसका रीज़न भी आपको समझ में आएगा। नीचे चल के आप उसके घर की ट्रॉफी दिखा था, नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा, बट इस ब्लॉग में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, नेक्स्ट ब्लॉग का वेट कीजिए। ओके गाइस, ये वाला ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, खमागा नहीं एंड, राम राम, मिलते हैं आपको किसी नए ब्लॉग के अंदर, बट कमेंट कर देना सब लोग, विश कर देना कि हम अगली रेस भी करें। ओके गाइस बाय, खमागा नहीं।